हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक 31 मई को हो चुकी है। उसी के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी कैटेट एमएससी एग्रीकल्चर प्री पीजी मतलब एमएससी पीएजी ग्रुप का या फिर पीजी ग्रुप में जो भी कट ऑफ हैं क्या जा सकते हैं, कितना जाएगा, इस पर एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ आपको सभी लोगों के मैक्सिमम लोग कमेंट था कि सर ये मैंने 80 क्वेश्चन किया, 90 क्वेश्चन किया, 100 क्वेश्चन किया, तो क्या मेरा सिलेक्शन होने की संभावना है या नहीं है, अगर होगा तो कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, कहाँ पर मिलने की संभावित तिथि है। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इसको पूरा डिस्कशन के साथ। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए यूपी कैटेट 2023 के सेशन में पीजी एमएससी एग्रीकल्चर पीएजी ग्रुप की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, प्रीवियस कट ऑफ कितना था, इस बार कट ऑफ जाने की दोनों के हम लोग जिक्र करेंगे। अब जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप लोग IBPS AFO का नाम तो सुना ही होगा और मैक्सिमम लोग इसका प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स, पूरा संपूर्ण आपको कृषि क्षेत्र अधिकारी बनने की जो सिलेबस होती है, सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरा कंप्लीट प्रिंटेड PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का भी आपको नोट्स कंप्लीट हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। प्रिंटेड होगा जो कि आपका प्रिंटेड नोट्स PDF फॉर्मेट में होगा, कंप्यूटर द्वारा टाइपिंग होगा, जिसका प्राइस है ऑनली व ऑनली 499 में फर्स्ट आपके प्रथम 50 स्टूडेंट को दिया जा रहा है। तो चलिए जो लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमको नीचे यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं हमसे IBPS AFO के संदर्भ में जो भी जानकारी है आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखेंगे तो आपका प्री पीजी के लिए आपका कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 200 क्वेश्चन थे, 600 नंबर के, 600 मार्क, 200 क्वेश्चन, 600 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। ठीक है, अब आइए इसमें कट ऑफ की बात करते हैं तो एमएजी ग्रुप में बात करेंगे, एमएजी ग्रुप की बात करेंगे। इसमें देखिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आप एमएजी के अंतर्गत आते हैं तो आपको एग्रोनॉमी ही मिलेगा या पैथोलॉजी ही मिलेगा, ICR से ऐसा कोई मतलब ICR जैसा ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए एमएजी ग्रुप में क्या क्या आपको सिलेबस आएगा, इकोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉयल साइंस, पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी इत्यादि। इसमें हार्टिकल्चर भी आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाएगी, डेयरी टेक, फूड टेक, ये सारे आपके सभी के सभी विभाग एमएजी ग्रुप में आ जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार पार्टिसिपेट करने के जो एक्सपेक्टेड हैं वो अबाउट 7000 अप्लीकेशन फॉर्म पड़े थे इस बार 2023 में लगभग 7000 फॉर्म पड़े थे और जिसमें 1000 प्लस जिसकी रैंक होती है, 1000 प्लस रैंक OBC में अगर होती है तो ये लोग नॉट क्वालिफाइड कर दिए जाते हैं, नॉट क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट हैं जिनको क्वालिफाई किया जाता है, कितने स्टूडेंट हैं जिनको क्वालिफाई किया जाता है, तो आप सिंपल सी बात जैसा कि ब्रोशर उठाकर देखेंगे सूचना विवरणी का तो उसमें साफ लिखा है 15% पाने वाले स्टूडेंट को क्वालिफाई कर देंगे। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि 15% का मतलब 30 क्वेश्चन जिसका 30 क्वेश्चन सही होता है उस स्टूडेंट को हम क्वालिफाई की कैटेगरी में रख लेते हैं। ठीक है, क्वालिफाई की कैटेगरी में 30 15% पाने वाले स्टूडेंट को हम रख लेते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन, यही ना। इसके बाद आपको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब 30 क्वेश्चन जिनका सही होगा वो लोग क्वालिफाई होंगे, और जिनका 30 से नीचे होगा वो ही नॉट क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, तो इसका कट ऑफ कि मैक्सिमम, हमने एक पोल डाला था, पोल क्वेश्चन डाला हुआ था, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट हमने उसमें पोल में क्या क्या डाला था, 120 प्लस, 100 प्लस, 110 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आपके हैं 110 प्लस में, 110 प्लस में मैक्सिमम स्टूडेंट। जबकि इस बार प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार अगर देखा जाए तो इस बार पेपर सरल था, जबकि एनडीयूटी कहा जाता है कि तगड़ी पेपर हार्ड बनाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, ना यूजी में देखने को मिला, ना पीजी में देखने को मिला। 110 में हमने देखा 110 प्लस में 154 प्लस स्टूडेंट में, मतलब अभी भी पोल पे बढ़ता जा रहा है संख्या, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम 90 और 100 के बीच में, 100 के बीच में आते हैं, तो इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट थे। लेकिन इसमें जो देखिए, आपने अगर 120 क्वेश्चन किया है, 120 क्वेश्चन या 120 प्लस में है, ठीक है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आपका 15% गलत होगा, इतना तो मान के आप मैक्सिमम चलिए कि आपका 15% गलत होने की संभावना है, श्योर है, चाहे जितना आप क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्योंकि जो पेपर बना हुआ था आपका ना, S.R. कांता नामक पुस्तक से बनी हुई थी। अगर आप S.R. कांता पढ़ लेते हैं, या फिर जो लोग पढ़े होंगे तो उन लोगों को जानकारी होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं गलत दिए हुए हैं। अब आपने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 में पढ़ा है अरुण कात्यायन में, उसमें कुछ और दिया है, और जो S.R. कांता में दिया है आंसर, वो सटीक आंसर नहीं है, वो गलत आंसर है, ये गलत उत्तर है। तो ये तो मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसका गलत आंसर होगा। आप भले ही सही करके आए हैं, लेकिन यूपी कैटेट का जो पेपर होता है, ना आपको बुकलेट मिलता है, ना उसकी आंसर की मिलती है, ना नंबर मिलता है, उसका डायरेक्ट आपको एक आंसर सीट मिलती है, जिस पर आपकी कंबाइंड रैंक होती है, ग्रुप रैंक होती है, कैटेगरी रैंक और इत्यादि 4 प्रकार के रैंक आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका किसी भी प्रकार के, आप किसी बात पर न विचार विमर्श कर पाते हैं, न कोड कर पाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एग्जामिनेशन है यूपी कैटेट, जिसमें कुछ नहीं आपको मिलता, ना उसकी कार्बन कॉपी मिलती है, कुछ नहीं मिलता आपको, ना उसमें आप हम तो इतना तो आप मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपका रॉन्ग आंसर होना तय है, गलत होना, गलत उत्तर होना आपके निश्चित है, ठीक है। अगर आप 120 में 120 मान के चलते हैं, 120 में आपका 15 क्वेश्चन गलत हो गया, 15 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका कितना बना, 105 क्वेश्चन सही बन गया, ठीक है। अब आपका निगेटिव मार्किंग इसमें से निकाल देंगे, अगर 15 क्वेश्चन इसमें से अगर निगेटिव मार्किंग निकाल देंगे तो कितना बनेगा, 4×3=12, मतलब हम 5 को काट देते हैं, 5 को ही पूरा खत्म कर देते हैं, 100 क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सही हो गया। 100 क्वेश्चन यदि आपका एग्जैक्ट सही हो गया तो आपको CSA यूनिवर्सिटी में मेजर सब्जेक्ट मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्लियर। CSA यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन जो स्टूडेंट कर देता है उसको CSA यूनिवर्सिटी मिल जाता है, जबकि पिछली बार 135 क्वेश्चन करने पर आपकी जो रैंक आई थी, ये फर्स्ट रैंक आई थी। जो फर्स्ट रैंकर था आपका यूपी कैटेट का, उसके हमने इंटरव्यू लेके डाली हुई है, आप जाकर के उसको विजिट कर लेंगे। सेकंड रैंक वाले की भी इंटरव्यू हमने डाली है, उसको भी आप जाकर विजिट कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे 135 क्वेश्चन करने पर जब आपका CSA यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर आता है तो यही वेरिएशन रहता है कि आपका 100 से 135 के बीच में जो स्टूडेंट रहते हैं CSA यूनिवर्सिटी का दाखिला प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप PG में 2 से 3 रैंक, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, 2 से 3 रैंक आप पीछे होते हैं बस, ज़्यादा नहीं रैंक होते, बस 2 से 3 रैंक आपको खिसकना होता है। तो 15 क्वेश्चन यदि आपका गलत हो जा रहा है तो 15 या 45 हम मान लेते हैं, 45 मान लीजिए आपके फर्स्ट रैंक से खींच करके 45 रैंक आपके आ गई, मतलब अप्रॉक्स आपकी 55 रैंक आ जाएगी। अगर 100 क्वेश्चन आपका है तो 55 रैंक आना तय है। 55 रैंक आपका बिल्कुल बिना किसी निसंदेह का आएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेड स्कोर है जो हमने प्रीवियस ईयर में एनालिसिस किया है। पिछली बार एक लड़का था जिसने किया था 114 क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन किया था, 114 114 क्वेश्चन किया था। कि रैंक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, उसकी रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल ओवर जनरल रैंक 14 थी, ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट रैंक थी, ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट रैंक थी। 114 क्वेश्चन किया था, 100 क्वेश्चन। अब उसमें मान लीजिए गलत हुआ होगा, गलत तो 10 क्वेश्चन आराम से हो गया होगा, तो ज्यादा आपका मतलब वही खिसक के आ गया 14 पर। नहीं तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस में तो फर्स्ट रैंक है, ऑल ओवर रैंक इसकी खिसक के आई होगी 28, मतलब अगर 10 खिसकी होगी तो 10 गुना 20 रैंक इसकी खिसकनी चाहिए, लेकिन ये कम खिसका, कम यानी इसका मतलब एक्यूरेसी जो है सही होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जिनका 100 होगा वो सीएसए यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद जिनका 90+ होगा ये एनडीयूटी में सीधे जाएंगे, एनडीयूटी में सीधे चले जाएंगे। जबकि एक बात और कहना चाहूंगा, ये बातें कैटेगरी पर भी डिपेंड करती हैं। अब जैसे जनरल ओबीसी का कैटेगरी ज्यादा वेरिएशन नहीं रखता है कट ऑफ को, SC ST का वेरिएशन कर जाता है। एक स्टूडेंट था 2021 की बात है, उसने ऑनली 56 क्वेश्चन किया था। उस समय पेपर बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 2021 की बात है। ये बोला कि सर हमको ओनली 56 क्वेश्चन आ रहे थे, एग्जैक्ट उतना ही हमने फिल करके आ गया, तो क्या हमको सीट मिलने की संभावना है? कैटेगरी इसकी SC थी, कैटेगरी जो है इस SC कैटेगरी से बिलोंग करता था। ऑनली 56 क्वेश्चन करके आया और इसकी आज दाखिला है CSA यूनिवर्सिटी कानपुर, CSA कानपुर में एडमिशन। रैंक कितनी थी? अप्रॉक्स शायद 256 या 250 से 56 के बीच में थी, मतलब 200-250 से 260 आप मान के चलिए कि इसी के बीच में उसकी रैंक थी। एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, यही रैंक उस लड़के की थी। ऑनली 56 क्वेश्चन, एक्यूरेसी के बेस पर आपका रिजल्ट बना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके कम है तो रैंक आ गई इतनी, आराम से सीट मिल गई। तो वही मैं कहता हूँ आप लोगों से कि कोई भी एग्जामिनेशन आप दीजिए जिसमें निगेटिव मार्किंग है तो आप उतना ही करें जितना आपको आता, उससे अधिक आप ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में ना करें। ये ना सोचें कि हम 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन कर देंगे, 25 गलत हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जिनका 90+ में है एनडीयूटी में चले जाएंगे। ठीक है, उससे नीचे जब आप आएंगे तो 75+ जिनका होगा, 75+, ये SBBP में सीधे पहुंचेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में पहुंचेंगे। बाकी इसके बाद फिर आते हैं 55 से एबव, ये लोग कहाँ जाएंगे? आपकी BUAT मादा यूनिवर्सिटी में सीधे पहुंचेंगे। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट की हमने बात करा है, मेजर सब्जेक्ट की। अब इससे जब आप नीचे आएंगे तो ज्यादा नहीं खिसकती है। 50+ वाले CSA मेजर, CSA में आपका CSA माइनर सब्जेक्ट, CSA माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप आएंगे 45+ NDUT माइनर मिलेगा। फिर उसके नीचे आप आएंगे 40+ SBBP माइनर मिलेगा। अब माइनर और मेजर आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट रुकिए। अब इसमें 35+ या 30+ आप ले लेंगे, 30+ तो ये आपका BUAT माइनर, BUAT माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। अब माइनर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपका PPY का मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी, सीड साइंस ये माइनर हो गया, बायोकेमिस्ट्री, फिर आपका एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और भी हैं इसके अंतर्गत आपके माइनर सब्जेक्ट में आते हैं। ये आ रही आपकी माइनर सब्जेक्ट की लिस्ट। फिर आपके मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट बता दें तो मेजर में आपका एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जिसको GPB के नाम से जाना जाता है, और भी इसमें आपके ये सारे आपके हो गए मेजर सब्जेक्ट। अब इसके अंतर्गत जो ब्रांचेस होंगी वो बिल्कुल माइनर होंगी, वो माइनर कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो हमने पिछली बार भी काफ़ी लोगों का काउंसलिंग कराया था, और हम चाहते हैं, काफ़ी लोगों का फॉर्म गलत भी हुआ था, और जो स्टूडेंट मैक्सिमम रैंक तक हैं, मतलब नॉट क्वालिफाइड के करीब हैं, वे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। प्रथम जब आपकी रैंक आ जाएगी तो आप हमको बताइएगा, हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे, बता देंगे आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या रैंक है, कितनी रैंक है, सारी डिटेल आप हमसे शेयर करेंगे तो हम आपको बता देंगे। बाकी जिन लोगों को पर्सनल काउंसलिंग करानी है तो आप लोग हमसे जुड़िएगा इंस्टाग्राम पर, agriclasses573 इस पर आप हमको इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा। यहाँ पर आप अपने सारे आपके डॉक्यूमेंट रहस्यमय होंगे, मतलब कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं होगा, हमारे इसकी सिक्योरिटी आपके पास रहेगी। जो आपकी साइबर कैफे वाली चार्ज होगी वही हमारी टीम रखेगी, या फिर हो सकता है उससे कम रखे, यह भी निश्चित नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको बता दिया जाएगा, आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कितनी फीस है कितनी नहीं। लेकिन ये तो मान लीजिए कि जो काउंसलिंग की फीस होगी 500 रुपये, वो आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद ये 500 रुपये तो आपको सबमिट करना होगा, प्लस में जो आपका साइबर कैफे वाला चार्ज होगा उससे भी हम मिनिमम में या फिर वही रखा जाएगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। बाकी हमारी टीम आपको संपर्क करके बता देगी, 24 घंटे आपको संपर्क में रखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही कट आपकी जानकारी देनी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा, हम आपको पूरे डिटेल के साथ बता देंगे, ठीक है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं अच्छा रहा तो आप JRF ICR का फॉर्म भर दीजिएगा। इस बार प्राइवेट कॉलेज वालों को भी छूट दिया गया है, इस बार से आपका जो ICR के जो डायरेक्टर हैं वर्तमान के डॉक्टर हिमांशु पाठक, उनके द्वारा लागू कर दिया गया है कि प्राइवेट कॉलेज वाले भी एलिजिबल हैं ICR JRF सीट के दावेदारी के लिए। तो आप लोग ICR JRF का भी सीट दावेदारी के लिए तैयार रहें, इससे तैयारी अपना बनाए रखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।